दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इस वीडियो में जो मैं एडवाइस दूंगा दैट इज नॉट मेडिसिन एडवाइस, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। तो हम बात आज करने वाले हैं कि जब हेयर लॉस की बात की जाती है तो कुछ ड्रग्स आजकल बहुत यूज हो रही है, तो हम ये बात करेंगे कि वो ड्रग्स हमारी बॉडी को इफेक्ट कैसे करती है, उनके मैकेनिज्म्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें, ताकि कोई भी ड्रग्स लेने से पहले आपको पता हो कि व्हाट यू गेटिंग इनटू। लेकिन अगर आपको हेयर लॉस करें सब कुछ जानना है तो देयर इज दिस अमेजिंग एपिसोड ऑन एंड्री ह्यूबरमैन्स पॉडकास्ट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। 2-2.5 घंटे का एपिसोड है, डेफिनेटली मस्ट वॉच, बहुत ही कमाल की चीज है। अब जब भी हम बात करते हैं हेयर लॉस प्रिवेंशन की, 3 ड्रग्स बहुत पॉपुलर हैं, मिनोक्सिडिल है, उसके बाद आपका फिनिस्टराइड है, ट्यूटेस्टराइड है, ठीक है, मैं हमारी जो मेडिकेशन वाला सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सब को जानने से पहले हमें एक चीज जरूर पता करना है कि भाई साहब DHT क्या हो, क्योंकि मोस्टली DHT ब्लॉकर्स हैं, तो हम इसी सिलसिले में आपसे आज बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को भी पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फैट लॉस दिस इज द नंबर, और अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, हम जो भी चीज करते हैं जस्ट विद लाइक डाइट ट्रेनिंग लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। तो पहले जानते हैं DHT क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसी के बाद हम बात कर सकते हैं इन सब चीजों की। अगर किसी को मेरे सोर्सेज जानने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दूंगा ताकि आप आगे रीड कर सके। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कुछ एंड्रोजेंस होते हैं, वो एंड्रोजेनस स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। डोंट वरी अबाउट कि इतनी लैंग्वेज क्यों यूज कर ली, स्टेरॉइड जैसे बड़े सारे बॉडी बिल्डिंग वाले लोग उनको पता है कि एक्सोजेनस लिए जाते हैं, जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है दैट इज एंडोजेनस, जो बाहर से आता है एक्सोजेनस, सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है। अब अगर मैं एंडोजेनस स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करूं तो 4 मेन होते हैं। एक बोलते हैं DHEA, डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन, दूसरा होता है एंड्रोस्टेनिडियन, तीसरा हमारा सबसे पॉपुलर टेस्टोस्टेरोन, और चौथा DHT, जिसको बड़े सारे लोगों को लगता है कि भाई ये क्या चीज होगी, ये कितनी खराब चीज है, ये होनी नहीं चाहिए, हमारे बाल लॉस कर रहा है, सब चीजें हो रही है। और अगर मैं इन सब एंड्रोजेंस में बात करूं ना, तो DHT है, इसको एक प्योर एंड्रोजन माना जाता है, ये सबसे पोटेंट है, सबसे शक्तिशाली है, और इसको प्योर एंड्रोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ईस्ट्रोजन में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होता। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक पाथवे होती है, तो उसमें क्या होता है कि 5-अल्फा रिडक्टेज ये करके एंजाइम होता है, वो टेस्टोस्टेरोन को आपके DHT में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इश्यूज ऑफ कंसर्न क्या है DHT को लेके, अगर एक्सेस DHT होता है तो प्रोस्टेट का इशू होता ही हो, और हेयर फॉल का इशू भी होता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर बचपन में किसी को डेफिशिएंसी होती है तो हो सकता है सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल जेनिशील है, वो प्रॉपर्ली बने ना, ब्रेन डेवलपमेंट रह जाए, और अगर एडल्ट लाइफ में, क्योंकि हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं, और एडल्ट लाइफ में अगर DHT की कमजोरी होती है तो आपका लिबिडो टैंक हो जाएगा, आपके लाइफ में ड्राइव नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपके डोपामीन को भी इफेक्ट करता है, एनर्जी बहुत कम होगी, और ब्रेन डेवलपमेंट वाला पार्ट भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो DHT है इट्स वेरी पावरफुल, और इसके फंक्शंस बॉडी में बहुत सारे, खासकर फॉर मेन इसकी कमी में दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पहली हेयर लॉस ड्रग की, उसका नाम है मिनोक्सिडिल। देखिए जब भी हम हेयर लॉस प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जो हमारे स्कैल्प होती है, जो DHT के रिसेप्टर्स होते हैं, अगर हम उसको कम कर देते हैं तो क्या होता है, तो ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है, उससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। अब जो मिनोक्सिडिल है, मिनोक्सिडिल का वैसोडायलेटरी इफेक्ट होता है। वैसोडायलेशन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है और ब्लड वेसल, जो आपका ब्लड फ्लो थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन ये मिनोक्सिडिल कैसे करता है ये अभी तक क्लियर नहीं। मिनोक्सिडिल की खोज जब हुई थी ये एक्चुअली एक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन थी, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी 1960s में अपजॉन करके, जो कि करंटली फाइजर है, मतलब फाइजर मिल चुकी है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और तब से मिनोक्सिडिल यूज हो रही है, तो बहुत टाइम से यूज हो रही है। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या, जब भी कोई हेयर लॉस से जूझता है तो सबसे मेन चीज होती है कि भाई अगर हमने कोई ड्रग लेनी शुरू की है तो एकदम उसका असर हो जाए, लेकिन उस हिसाब से क्या होता है आपकी जो डोजिंग होती है मेरी अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो मिनोक्सिडिल का अगर आप डोजिंग अग्रेसिव करोगे तो पर्सनली मैं देख चुका हूं मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स में लिबिडो का इशू आता ही आता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी हमने एंड्रोजन पॉडकास्ट की बात की, उसमें भी उन्होंने बात बोली थी, मैं उसका लेकिन मुझे वो एविडेंस मिला नहीं कहां पे, कि अगर मिनोक्सिडिल ज्यादा हो जाए तो ये आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स को इफेक्ट कर सकती है। जिन लोगों को नहीं पता, जब आप इजैकुलेट करते हो आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो वो एंटी टेस्टोस्टेरोन काम करते हैं, तो इसके लिए आपका लिबिडो बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन डिजीनेस, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, कई बार चेस्ट पेन, ये सारी की सारी चीजें मिनोक्सिडिल के असर होते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप मिनोक्सिडिल आपने यूज करना शुरू किया तो ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3-6 महीने यूज करो उसका बंद कर दो। मोस्टली लोगों के लिए लाइफ टाइम होती है, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जो थोड़ा टाइम यूज करने बंद करते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं वो क्या होता, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए इट हैज टू बी लाइफ टाइम कमिटमेंट। अब एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट क्या है कि कैफीन के बारे में हम सबने सुना है, राइट? जो कैफीन है, पता, वो बड़ा सिमिलर काम कर सकती है मिनोक्सिडिल
मिनोक्सिल जैसे, लेकिन मिनोक्सिल इस चीज में बहुत हमारे पास प्रॉपर पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स हैं जो मिनोक्सिल की एफिकेसी की बात करती है। लेकिन ट्रॉपिकल जो कैफीन सप्लीमेंटेशन है या फिर ट्रॉपिकल कैफीन एप्लीकेशन है, नॉट अ सप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन है, वो ऑलमोस्ट जो वैसोडायलेटरी इफेक्ट्स मिनोक्सिडिल है जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है या हेयर लॉस प्रिवेंशन होती है, बड़ा सेम सा हो रहा है। तो अभी वी डोंट हैव वेरी क्लियर डोजिंग प्रोटोकॉल, लेकिन जो कैफीन वाला पार्ट है वो तो इतना सही है क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है इस चीज की। और लेकिन अगर आप बोलते हो आप कैफीन ड्रिंक करते हो तो क्या उससे वो चीज इफेक्ट हो सकती है? नहीं। उसका रीजन क्या है कि जो कैफीन है वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। हमारे बॉडी में इतने सारे एडिनोसिन रिसेप्टर्स हैं कि हमारे स्कैल्प तक वो कैफीन पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इसके लिए कैफीन इज समथिंग विच इज वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है, क्योंकि बड़े से लोग मिनोक्सिल पे नहीं रुकते, जो अगला पार्ट है दैट इज अबाउट फिनेस्टेराइड, और ये है एक बहुत ही पावरफुल डीएचटी ब्लॉकर। अब फिनेस्टेराइड एक मेडिकेशन है जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डीएचटी में रोकती है, कैसे? 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करके। तो डीएचटी लेवल्स कम करके फिनेस्टेराइड आपका हेयर लॉस रोक भी सकती है और रिवर्स भी कर सकती है। अब बोलेंगे अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, अब तो हम फिनेस्टेराइड यूज करना चाहिए, लेकिन हेयर इज द कैच। अब चीज क्या है कि मोस्टली जो फिनेस्टेराइड एक ड्रग है ये प्रोस्टेट के लिए यूज होती है और प्रोस्टेट के लिए 5 mg पर डे के हिसाब से इसका यूज होता है, लेकिन हेयर लॉस प्रिवेंशन के लिए जो नॉर्मल मैंने डोसेज देखी है 1 mg के आसपास होती है। अब सुनिएगा कैच क्या है, कैच पता क्या है? कैच ये है कि 0.01 mg ऑफ फिनेस्टेराइड आपका डीएचटी 50% के आसपास रिड्यूस कर देती है। और डीएचटी बकवास चीज नहीं, जैसे बोला डीएचटी ऊपर से नीचे तक बहुत कमाल की चीज है, डीएचटी नहीं होगा तो कहते ना मर्द में से मर्दानगी खत्म हो जाएगी, जो सिंपल चीज है। तो अब क्या है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 0.01 mg से अगर 50% आपका डीएचटी कम हो रहा है तो क्या 1 mg से ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे डोसेज बढ़ती जाती है तो जो रेट ऑफ रिडक्शन है वो बिल्कुल वो नहीं, लॉगरिथमिक सा नहीं है, वो थोड़ा कम 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 होता जाता है। तो इसके लिए आपको चीज क्या करनी है, जब भी आप अपने डॉक्टर से काम कर रहे हैं फिनेस्टेराइड को लेके, मिनिमम पॉसिबल डोसेज से शुरू कीजिए और वेट कीजिए 1-2 महीना। कई बार लोग क्या करते हैं, दे लाइक सुपर डुपर जल्दी में कि भाई एकदम हो जाएगा तो 0.01 से 1 mg बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उसके चक्कर में डीएचटी कम होगा, डीएचटी कम होगा तो बड़ी सारी चीजें जो होंगी कॉम्प्रोमाइज होंगी। जल्दी की जब बात की जाती है तो नेक्स्ट ड्रग आती है ड्यूटेस्टेराइड, और ड्यूटेस्टेराइड एक छोटे से डोसेज में ही ऑलमोस्ट 90% आपका डीएचटी फ्लैट कर देती है। डीएचटी ड्यूटेस्टेराइड इतनी पावरफुल चीज है। और वो कैसे होता है, तो जब हम डीएचटी की बात करते हैं ना, डीएचटी के 3 isoenzymes होते हैं, मतलब मान के चलिए डीएचटी का जो काम होता है वो 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो फिनेस्टेराइड है वो सिर्फ 1 isoenzyme को इफेक्ट करती है, जो ड्यूटेस्टेराइड है वो 2 को करती है। तो इसके लिए उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कहीं ज्यादा जल्दी होता है, लेकिन वो डीएचटी पे बहुत काम खराब करती है। और बात वही होती है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम डीएचटी का सारा काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टाइप का हेयर लॉस ड्रग ले रहे हो उसके बाद आपको आपके मूड में, वेलबींग में, लिबिडो में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट फिनेस्टेराइड सिंड्रोम, और इसमें क्या होता है, मान के चलिए किसी ने भी 1 mg से 5 mg तक फिनेस्टेराइड लेना शुरू किया और एक टाइम को लगा छोड़ो यार बहुत फिनेस्टेराइड हो गया, बंद कर देते हैं, तो छोड़ने के बाद आपका लिबिडो एकदम पूरा ही क्रैश हो जाता है, मूड बहुत खराब हो जाता है, इतना होता है बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हो। पोस्ट फिनेस्टेराइड सिंड्रोम का अभी तक रीजंस नहीं पता, लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि जो यंगर मेल्स हैं अगर वो हेयर लॉस प्रिवेंशन के लिए फिनेस्टेराइड ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो एज वी कैन सी ओवरऑल अभी तक सारे वीडियो में कि जो सारी ड्रग्स हैं ये मोस्टली डीएचटी पे काम करती हैं और डीएचटी को ये कम तो कर देती है, लेकिन डीएचटी कम करने से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको जब भी ये डिसीजन लेना है इनमें से किसी ड्रग्स पे जाने का, आपको ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ओके लूजिंग ऑल माय हेयर, जहां तक प्रोस्टेट की बात नहीं आती आई वोंट टेक डीएचटी ब्लॉकर्स एट ऑल, क्योंकि ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी ड्राइव, हर चीज को कम करने का पोटेंशियल रखते हैं, आई एम नॉट ओके डूइंग विद दैट। तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यूज करके आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में। विद दिस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं किसी भी टाइप की, कहता हूँ एक बारी मैकेनिज्म पढ़िए उस ड्रग का, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, ताकि कुछ भी लेने से पहले हमें पता तो चले कि हम सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब हम कोई फोन लेने जाते हैं तो फोन लेने में अगर हम डॉक्टर जो दुकान पे होता है उसे बोलते हैं भाई साहब मुझे नया फोन दो, तो कितने परसेंट चांसेस रहेंगे कि आपका एडवाइस सही मिलेगी? लेकिन अगर आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे तो आपके जो डील मिलेगी कहीं बेटर मिलेगी लाइफ में, हर जगह यहीं पे। इसलिए एजुकेट योरसेल्फ, ड्रग्स कोई भी बॉडी में डाल रहे हो आई डोंट थिंक किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, मैकेनिज्म पढ़िए, और अगर खुद समझ में नहीं आते तो टॉक टू समबडी जो समझा सकते हैं, अपने डॉक्टर से ही बात कीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कोई ड्रग आपको लेनी है कि नहीं। तो गाइस आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।